अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यह है इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंस। बच्चे इस टॉपिक को अगर देखा जाए तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, पास्ट पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ चुका है। और ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मसलन व्हाट इज एनोडाइजेशन ऑफ एलुमिनियम, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डाउन सेल, नेल्सन सेल क्या है, सही है। ये एक एक पॉइंट एक एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा, सही। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इसमें खुसूसन एनोडाइजेशन वाला खुसूसन करना है। तो हम स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पे जो मैंने ऊपर हेडिंग दी है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्या होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम करंट गुजार के कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं। मतलब ये दो इलेक्ट्रोड है, इनको आप किसके साथ कनेक्ट करो, बैटरी के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, सही है। अब इसमें से करंट गुजारने के बाद यहाँ पे होगा कोई ना कोई रिएक्शन, रिएक्शन के नतीजे में कोई ना कोई चीज़ें बनेगी। आपने ये एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस कौन कौन से हैं जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस मतलब कोई ऐसे प्रोसेस के नाम लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है जो अभी इंडस्ट्रीज के अंदर हो रहे हैं, सही है। तो ये कोई कम से कम चार आपसे पूछेगा, एक्सप्लेन एनी फोर इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, कोई चार पूछेगा आपसे। लेकिन हर एक प्रोसेस एक अलग इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो हर प्रोसेस की हम अलग हेडिंग बनाएंगे, अलग लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग हमारे पास डाउन सेल, क्या आएगा, डाउन सेल। और बच्चे ये जितने भी प्रोसेस हैं, कुछ छह पढ़ने हमने, पांच प्रोसेस ऐसे हैं जो कि आपने नाइन्थ क्लास में पढ़े हुए। डाउन सेल आपने पढ़ा हुआ है, नेल्सन सेल आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने पढ़ी हुई है, सही है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल ये आपने पढ़ा हुआ है, सही है। मतलब मैक्सिमम चीज़ें आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास मौजूद है, सही। लेकिन उसी कॉन्सेप्ट को आगे यूज़ करके हम मज़ीद मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बच्चे डाउन सेल के आगे ही एक सर ब्रैकेट डाल के मैनोफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल की तैयारी। तो अगर मैं नाइन्थ क्लास की बात करूं, बच्चा आपने कुछ इस तरह का एक डायग्राम पढ़ी होगी जिसमें क्या होता है कि ये टैंक होता है, ये डायग्राम यहाँ पर नहीं बनी हुई, इसके बिल्कुल सेंटर में यहाँ पे ग्रेफाइट का एनोड लगा रखा होता है, इसके ऊपर वाली साइड पे यहाँ पे ग्लास का बना हुआ एक डोम होता है, गुंबद होता है, यहाँ पे लोहे की बनी हुई जाली लगी होती है, यहाँ पे इसके इर्द गिर्द जो ग्रेफाइट एनोड है ना इसके दरम्यान में होता है, इसके इर्द गिर्द लोहे की बनी हुई जाली होती है, सही है। तो यहाँ से आप मोल्टन या फ्यूज्ड NaCl को दाखिल करते हो, यहाँ पर रिएक्शन होता है, रिएक्शन होने के बाद हमारे पास दो चीज़ें बनती है, क्लोरीन गैस एक सोडियम मेटल है। पहले नंबर पे याद रखिएगा, डाउन सेल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। डाउन सेल इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल। इसके बाद ये जो दरमियान में एनोड होता है ना, ये ग्रेफाइट का बना होता है। इन डाउन सेल एनोड इज मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ आयरन। और कैथोड जो है ये आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। भाई फ्यूज NaCl मतलब आपने नमक लेना है, उसको पिघलाना है, पानी में नहीं डालना,
क्या करना, नमक को लेके उसको पिघलाना है, और जो हमारे पास NaCl बनेगा उसको कहते हैं फ्यूज्ड NaCl या मोल्टन NaCl भी कह सकते हैं। फ्यूज्ड NaCl का आपने इस्तेमाल करना है इसके अंदर किसकी प्रिपरेशन के लिए, सोडियम मेटल की। फ्यूज्ड NaCl इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, फॉर द प्रीपरेशन, तैयारी के लिए, किस चीज की तैयारी के लिए, प्रीपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। यहां पे दो चीजें होती हैं, जब आप यहां पे, क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज कौन सा होगा नेगेटिव, तो यहां पे आप NaCl को डालते हो, NaCl में Na प्लस साइन होता है और साथ में Cl माइनस साइन होता है, Na प्लस साइन मूव करेगा किसकी तरफ, कैथोड की तरफ, Cl माइनस साइन मूव करेगा एनोड की तरफ, एनोड में क्लोरीन गैस बनेगी और कैथोड में सोडियम मेटल बनेगी। यही बात हमने यहां पे लिखनी है, Na प्लस आयन मूव टुवर्ड कैथोड, ये कैथोड की तरफ हरकत करता है एंड प्रोड्यूस, और ये पैदा करेगा कौन सी चीज, सोडियम मेटल, Cl माइनस आयन, Cl माइनस आयन मूव टुवर्ड यहां पे एनोड आएगा, एनोड की तरफ क्या करेगा एंड प्रोड्यूस क्लोरीन गैस, लास्ट में हम रिएक्शन लिखेंगे, इसको खत्म कर देंगे। सही है, तो बात कर लेते हैं रिएक्शंस की। भैया रिएक्शंस जो हमने यहां पे लिखने हैं, पहला रिएक्शन आयोनाइजेशन का होगा, किसका होगा आयोनाइजेशन, सेकंड रिएक्शन हमारे पास रिएक्शन एट एनोड होगा, रिएक्शन एट एनोड, अगर आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा तो आपको याद आ रहा होगा। सही है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा होता है रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, और लास्ट में हम बात कर रहे होते हैं ओवरऑल रिएक्शन की, किसकी, ओवरऑल रिएक्शन। ले जी आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है, हम NaCl को लेते हैं जैसे 2NaCl है, जब ये आयोनाइज होगा तो 2Na प्लस बनाएगा साथ में Cl माइनस बनेगा, साथ में क्या बनेगा हमारे पास Cl माइनस, ये हुआ है हमारे पास आयोनाइजेशन। क्या हुई है हमारे पास यहाँ पे आयोनाइजेशन, जिसमें Na प्लस बन रहा है साथ में क्या बन रहा है हमारे पास Cl माइनस। अच्छा मैंने यहाँ पे दो क्यों लगाया, एक सिंपल सी बात याद रखिएगा बच्चे, दो सिर्फ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया, अगर आप दो नहीं भी लगाते हो तो भी बात सही, आप एक NaCl लेके Na प्लस Cl माइनस बना सकते हो, अगर दो लगा लोगे तो इसमें ये होगा कि इक्वेशन आगे बैलेंस करना आसान होगा। बच्चे एनोड पे चार्ज कौन सा था, देखो एनोड की तरफ कौन सी चीज़ आई है क्लोरीन, तो ये जो Cl नेगेटिव है ये जाएगा एनोड की तरफ और वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेगा और साथ में कौन सी गैस बना देगा क्लोरीन गैस, कौन सी गैस बनाएगा क्लोरीन गैस। नेक्स्ट क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन क्या होगा, किस पे, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, भाई कैथोड पे चार्ज होता है क्या, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा और कैथोड की तरफ जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाली शेयर। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे 2Na प्लस दो इलेक्ट्रॉन लेता है और यहाँ पे सोडियम मेटल बन जाती है और डाउन सेल को सोडियम मेटल की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली ये हो रहा था कि 2NaCl कन्वर्ट होते हैं सोडियम मेटल में और साथ में क्लोरीन गैस में, यह हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है। ये था जी डाउन सेल, इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें लिखी हैं, अगर आप नाइन्थ क्लास में जाएं तो वहाँ पे आपको इस टॉपिक की ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मिल रही होती है। सही, वहाँ पे काफ़ी सारी हेडिंग वगैरह बना, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है दो नंबर के लिए, हर पॉइंट को टू द पॉइंट लिखेंगे। सही, यहाँ पे हमने पहले बताया डाउन सेल किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, रॉ मटेरियल कौन से इस्तेमाल करते हैं, इसमें कौन सी चीज़ को बना रहे होते हैं, रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं। डायग्राम बनानी है वो आपकी अपनी मर्जी है, जितना बढ़ाओगे लेंथी करोगे उतना लेंथी होता जाएगा। बच्चे नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास वो है नेल्सन सेल, सेकंड हमारे पास क्या है नेल्सन सेल, और इसके आगे आप हेडिंग दोगे मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। भाई कास्टिक सोडा का फार्मूला आता है NaOH, कास्टिक का लफ्जी मतलब होता है बर्निंग, मतलब आप इसको हाथ लगाते हैं पानी वगैरह लगा के इसको कास्टिक सोडा का हाथ लगाते हैं ऐसा लगता है हाथ जैसे जल रहा है। सही है, तो कास्टिक सोडा NaOH को कह रहे होते हैं
अब NaOH को क्यों तैयार कर रहे होते हैं, ये इसको इंडस्ट्री में तैयार करने की रीजन क्या है? बच्चे NaOH आपके मैक्सिमम सोप के अंदर यूज हो रहा है। सोप बनाने में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? NaOH का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं नेल्सन सेल का, और नेल्सन सेल का एक और भी नाम है, नेल्सन सेल को डायफ्राम सेल भी कहते हैं। सही है, क्या नाम दे रहे थे? नेल्सन सेल का एक और भी नाम है क्या? डायफ्राम सेल। सही है, पहली बात जो हमने यहां पर लिखनी है, डायफ्राम सेल इज यूज्ड, डायफ्राम सेल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा की तैयारी के लिए डायफ्राम सेल का इस्तेमाल किया जाता है या फिर नेल्सन सेल का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चे नेल्सन सेल होता किस तरह का है? आपने अगर देखा हो 9th क्लास में कुछ इस तरह का सेल बना हुआ है, डायग्राम कम से कम आपके जहन में आ जाएगी, ये इस तरह का था। यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ से क्लोरीन गैस बाहर जा रही होती है। इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर में क्या होता है? एक ग्रेफाइट का, ये वाला हमारे पास होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एनोड। ये क्या होता है हमारे पास? ग्रेफाइट एनोड है। अब ये वाली जो चीज होती है, ये बनी होती है आयरन की, और इसमें बारीक बारीक से सुराख होते हैं, और इसके नीचे हमने एक कैचिंग बेसन रखा होता है, बर्तन रखा होता है, ऊपर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनती है वो नीचे आके जमा होने शुरू हो जाए। सही है, ये जो ग्रीन वाला है इसको चार्ज दिया जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ाता है। मतलब ये क्या है कि ये काम करेगा एज अ कैथोड, क्योंकि जो भी शायद बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ोगे उसको आप कैथोड का नाम दे रहे होते हो, और एनोड का नाम किसको देते हैं? जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ोगे। इसको आप जोड़ रहे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ। अब इसके अंदर ना याद रखिएगा NaCl का एक्वस सॉल्यूशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पे क्या किया हमने? NaCl को पिघला के फिर यूज किया, और वहां पे हम NaCl का क्या करेंगे? पानी में डालेंगे NaCl को, पानी में डालने के बाद यहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। ये क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो पहले नंबर पे एक सिंपल सी बात याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। क्या जी? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कास्टिक सोडा। अब डायफ्राम सेल में क्या होता है? डायफ्राम सेल इज कंसिस्ट ऑफ अ ग्रेफाइट एनोड एंड यू शेप आयरन कैथोड। ये जो नीचे है ना, ये यू शेप, ये वाला, इसको कह रहा है द डायफ्राम सेल इज कंसिस्ट ऑफ ग्रेफाइट एनोड एंड यू शेप आयरन कैथोड शेप आयरन कैथोड पर मुश्तमिल होगा। नेक्स्ट बात, वो रिएक्शन की है, जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH से करंट गुजारा जाता है तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। सही है, तो रास में रिएक्शन लिखेंगे, व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, देन NaOH Cl2 एंड H2 इज प्रोड्यूस।
तो ये वाली चीज़ें हमारे पास पैदा हो रही होती हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हमने यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन एट एनोड की बात करेंगे। रिएक्शन एट एनोड, एक बात याद रखिएगा बच्चे, हमने जब लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें एक सिंपल सी बात कही थी, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट फ्यूज या मोल्टन यूज करते तो प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट आसान है, क्या प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। जब आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का एक्वा सॉल्यूशन इस्तेमाल करोगे तो प्रिडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट इज डिफिकल्ट। तो क्या होगी हमारे पास प्रोडक्ट की प्रिडिक्शन डिफिकल्ट हो जाएगी। सो यहां पे थोड़ा सा प्रोडक्ट को याद रखिएगा और ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन बच्चे, रिएक्शन एट एनोड। एनोड देखो हमारे पास जो NaCl है, जब ये आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा Na प्लस साइन, Cl माइनस साइन। इसी तरह वाटर जब आयोनाइज होता है तो ये बनाता है H प्लस साइन और साथ में OH माइनस साइन, क्योंकि ये वाला सेल इस्तेमाल किया जाता है इस चीज़ को और इस चीज़ को बनाने के लिए। NaOH आपस में मिलेंगे, हाइड्रोजन गैस H प्लस साइन किस में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोजन में OH माइनस साइन किस में कन्वर्ट होगा, क्लोरीन में। और ये प्रोडक्ट मैंने ऊपर लिखे हैं, NaOH बनता है, क्लोरीन बनती है और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, इसकी तरफ Cl नेगेटिव मूव करेगा, दो Cl नेगेटिव इसकी तरफ मूव करेंगे, Cl2 बनेगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। यही दो इलेक्ट्रॉन पानी लेता है, यही दो इलेक्ट्रॉन क्या लेगा, पानी लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2 में और साथ में बनाएगा 2OH नेगेटिव आयन, 2OH नेगेटिव आयन, क्योंकि दो वाटर के मॉलिक्यूल में H OH में इस तरह लिख सकता हूँ, वाटर के मॉलिक्यूल H OH, ये वाले OH नेगेटिव आयन बना देते हैं, ये वाले दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और हाइड्रोजन गैस बना देते हैं, ये दोनों H2 बनाएंगे और ये वाले दोनों OH एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ऊपर चार्ज आया था नेगेटिव, सही है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वाटर गेन कर रहा है, सही। और लास्ट में हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल रिएक्शन कुछ इस तरीके से हो रहा होता है कि आप 2NaCl प्लस दो वाटर के मॉलिक्यूल ये जब रिएक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास बना रहते हैं 2Na प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस एंड क्लोरीन गैस। तो बच्चे एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रहे होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दो थोड़े से लेंथी थे, नल से सेल और डाउन से थोड़े से लेंथी थे, आगे वाले जितने भी हमारे पास होंगे वो सारे सारे थोड़े से शॉर्ट होंगे, सही टू द पॉइंट होंगे, सही। तो नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करें ये वाला टॉपिक आपका खत्म कर दें। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।